नो लाइन लिविंग सीधा टू एडवर्टाइजमेंट इनर और आउटर नो डॉट्स और आउटर व्हाट अबाउट डिस्काउंट अलाउड आउटर इनर और आउटर आउटर कॉलम मशीनरी इज एज ए बट हाँ काहे इनर काहे डॉट हाँ जी डॉट है उस पर चेक कीजिए क्या डॉट है चेक कीजिए डॉट आया वैसे ही चेक कीजिए कितना टका मिला पढ़ो यार ध्यान से मशीनरी पे 10% प्लस भी माइनस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन 10% व्हाट इज 10% ऑफ 40,000 सो नेट वैल्यू 36 मिला नेट वैल्यू 36 व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ डेप्री अभी नहीं लूंगा अभी मैं डॉट वाला रखूंगा आगे बढ़ूंगा डॉट वाला उठूंगा आगे बढ़ूंगा डॉट वाला करूंगा आगे बढ़ूंगा ठीक है देखते जाओ उसके बाद क्या है मशीनरी के बाद कैरेज सो टू कैरेज इनर और आउटर आउटर कॉल 2500 इंश्योरेंस किधर जाएगा इंश्योरेंस व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम सो आउटर कॉल इनर डॉट डॉट है सर भूल गए मैंने डॉट नहीं किया इंश्योरेंस इज मिस्टेक मैंने नहीं किया इंश्योरेंस इज इनर कॉलम राइट व्हाई बिकॉज डॉट व्हाट इज द डॉट चेक प्लस करना है माइनस माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों माइनस किया लॉजिक समझा सर हम पीपी लिख सकते क्या पीपी लिख सकते पीपी इंश्योरेंस चलेगा प्रीपेड ओके मुझे बताओ क्यों माइनस किया क्योंकि ये 300 इस साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस पी अभी नहीं लूंगा बाद में ठीक है अभी डॉट वाला दो आगे बढ़ो ड्रॉइंग्स क्या करना है ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल इनर और आउटर कॉल इनर कॉल ड्रॉइंग्स 2500 ऑपरेटिंग ड्यूटी ट्रेडिंग डेट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में गुड्स लाने का टैक्स टू ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ट्रेडिंग डेबिट कुल फर्नीचर इनर और आउटर इनर वेरी गुड व्हाई यू नो बिकॉज कितना टका चेक करो प्लस करो कि माइनस प्लस की माइनस 5% ऑफ 8,000 इज आउट 400 बराबर है 5% ऑफ 8,000 इज 400 कम ऑन ओ भाई 5,000 का 8,000 का 5% इज 400 7,600 What is the second effect of depreciation? P&L. But, again, bad. Office rent. To office rent. Any dot or any adjustment? Dhakel the outer corner. तो मैंने क्या किया समझ में बताओ अभी चेंज जो डॉट वाला इफेक्ट था मैंने तभी का तभी दे दिया डॉट वाला इफेक्ट है गिवन तभी का तभी सेकेंड इफेक्ट बाकी है दूंगा जरूर दूंगा बाकी ठीक है याद रखना थर्टी थ्री ना 32 अभी क्रेडिट साइड बैंक लोन इज लाइबिलिटी थोड़ा जगह छोड़ के नेट प्रॉफिट के लिए बैंक लोन इनर और आउटर आउटर नो डाउट क्रेडिटर्स आर ऑल्सो लाइबिलिटी इनर और आउटर 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 सेल्स 65,800 तुम खींच सकते हो बाहर आप 34,200 है ये नेट परचेज और ये आएगा 65 आई थिंक हमारा 65,000 एंड 34,200 चेक पिटला
परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न सब हो गया. बिल्स पेएबल इनर और आउटर? आउटर. नो डॉट सो स्ट्रेट आउटर नो एक्सेप्शन. डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाए? परफेक्ट. बाय डिस्काउंट रिसीव्ड इज पीएनएल क्रेडिट 2500. एनी डॉट? नो डॉट. कैपिटल 55,000. इज दैट राइट? इनर कॉल बिकॉज प्लस माइनस वन. हमने क्या किया? हमने क्या किया? डॉट वाला इफेक्ट दिया हुआ है. बस अभी वापस सारे एडजस्टमेंट्स ध्यान से पढ़ो और एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए. जिसका दो इफेक्ट बाकी है दोनों दे दो, जिसका एक इफेक्ट बाकी है एक दे दो, जिसका एक भी नहीं है स्वा. ओके लेट्स सी. वापस ऐसा सोचो कि आप सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हो. देखो क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 21,000. क्लोजिंग स्टॉक वाला बचा हुआ इस साल को ग्राउंड नहीं करता. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? एक ट्रेडिंग क्रेडिट और एक एसेट. एक भी हुआ है क्या? दोनों बाकी है. पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक तो दोनों लिख दो. बाय क्लोजिंग स्टॉक 21,000 एंड आउटर. यस. एंड एसेट में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 21,000. अभी उसको टिक करो पेंसिल से. क्लोजिंग स्टॉक वाले को टिक करो. टिक करने का मतलब आपने दोनों इफेक्ट दे दे. दोनों इफेक्ट होने के बाद ही टिक करने, नहीं तो करने का नो. पहला वाला हो गया. अभी डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिशिएशन? वन इज लेस फ्रॉम एसेट एंड वन इज पीएनएल डेबिट. आई थिंक मैंने लेस फ्रॉम एसेट किया हुआ है. पीएनएल डेबिट बाकी है तो दे. सो टू डेप्रिसिएशन ऐसा लिखने दोनों साथ में कर सकते हैं. टू डेप्रिसिएशन ऐसा लिखने का, उसमें लिखने का फर्नीचर एंड मशीनरी और भी कुछ है तो बिल्डिंग प्रीमाइस सब साथ. तो दिस इज फर्नीचर पे 400, मशीनरी पे है 4000 और आउटर कॉलम 4400. इसलिए मैंने सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया था. दोनों का सेकेंड इफेक्ट मैंने साथ में दिया है और ऐसे प्रेजेंट करना. टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी मोटर कार जो भी इनर कॉलम एंड सब टोटल इन द आउटर कॉलम. डायरेक्टली लिखोगे ना तो दोनों का अलग अलग लिखना. डेप्री ऑन फर्नीचर डेप्री ऑन मशीन. वो पॉइंट पे मैं आता हूं. डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी समझा? और अभी गॉट दैट? अभी दोनों इफेक्ट हो गए. देखो फर्नीचर का भी हो गया, दूसरा इफेक्ट मशीन का भी हो गया. टिक करो टिक करो. बी वाले को टिक करो. आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस दिख रहा है? इधर लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था? 1000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस था आई थिंक 5. आउटस्टैंडिंग सैलरी था 1000, आउटस्टैंडिंग वेजेस था 500. दोनों का रूल इफेक्ट हो गया. सैलरी का एड और लाइबिलिटी, वेजेस का भी एड और लाइबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस को भी एसेट. एक मिनट, हो गया ये पहले आउटस्टैंडिंग सबका. सेकेंड इफेक्ट हो गया. टिक टिक टिक. सी को टिक करो. टिक किया. प्रीपेड इंश्योरेंस. व्हाट आर द टू इफेक्ट? वन इज लेस डन. सेकेंड इफेक्ट एसेट में लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 300. टिक करो. अब जाके इसका सेकेंड इफेक्ट हुआ. अभी किसी किसी लोगों को ओसीडी रहता है. ओसीडी मतलब तो एक डॉट के बाद लोग चिलमिला जाते हैं. दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ. तो तभी का तभी भी दे सकते. गलत चीज नहीं है. ओके तो डॉट वाला इफेक्ट दिया तभी ही सेकेंड इफेक्ट भी दे दोगे तो भी चलेगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. लेकिन ऐसा देखा गया है जब स्टूडेंट ऐसे सम करते हैं तभी दोनों इफेक्ट जब देने जाते हो ना एक भूल ही जाते हैं. हाँ एक का कभी कभी भूल जाते हैं. ऐसा हुआ है. इसके लिए वो डॉट वाला तरीका है. डॉट वाला तभी दो सेकंड एट थी एंड. तो दो बार हम सारे एडजस्टमेंट देखते हो ना इसके लिए. वरना आप ऊपर कर लो ना वापस एडजस्टमेंट देखोगी. ऊपर दोनों इफेक्ट हो गया तो नीचे वापस क्या देखने का? तो देखते ही नहीं है लोग इसके. तो याद रखना अल्टीमेट गोल क्या? अल्टीमेट गोल ट्रायल बैलेंस का आइटम का कितना इफेक्ट होना चाहिए? एक. और एडजस्टमेंट्स का दो. वो हो गया मतलब दो इफेक्ट होना हो गया सबके दो इफेक्ट. इसलिए समझो.
करते हैं टैली, लेट्स सी 86 आ रहा है, चेक करो 86 आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, टू क्या लिखूं, बैलेंस की ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट बीडी की सीडी, सीडी टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ओ भाई 30,000 आ रहे जीपी। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया। तू ग्रॉस प्रॉफिट क्या रिटर्न इधर क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 30,000 राइट। हेलो डन। अच्छा 30,000 ऑन सेल्स ऑफ 65, ग्रॉस मार्जिन ऑफ अराउंड 50%, गुड होगा, गुड गुड गुड। 32,500 इज टोटल माइनस डेबिट, 32,500 माइनस करके बताओ 7,200 क्या लिखने का है, टू नेट प्रॉफिट बीडी की सीडी, और ब्रैकेट में क्या लिखने का, ट्रांसफर कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल, और ये मैं क्या करेंगे इधर ऐड। अच्छा व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट मार्जिन, कम ऑन चेक, व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट मार्जिन 65,000 पे 7,200 65,000 पे 7,200 का प्रॉफिट ये भी कम है, 14% नॉट सो गुड, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। ये ड्रॉइंग्स उसने कहां से किया होगा, कैपिटल से कि प्रॉफिट, प्रॉफिट से किया। तो फाइनल कैपिटल कितना बनता है, 59,700 40 हो रहा है, 35,43,44,500, 44,560, 1,04,500 चलो आज का होमवर्क आ जाएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, कल सेम टाइम आना है, 10 बजे कल